अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा है हमारी पहचान। छत्तीसगढ़ से पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया 3 विभूति, जिसमें जसपुर के जागेश्वर यादव, रायगढ़ के रामलाल बरेठ और नारायणपुर के हेमचंद मांझी का नाम है शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्मश्री से नवाजे जाने वाले तीनों विभूतियों को दी है बधाई। वहीं प्रदेश के अब तक 29 विभूतियों को मिल चुका है पद्मश्री अवार्ड। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकली छत्तीसगढ़ की झांकी। बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार ने दर्शकों का मोह लिया मन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के अनेक शीर्षस्थ लोग, विशिष्ट अतिथि और आम नागरिक दर्शक दीर्घा में थे उपस्थित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का किया ऐलान। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला समेत 5 लोगों को दिया जाएगा पद्म विभूषण सम्मान। इसके अलावा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक समेत 17 लोगों को पद्म भूषण से और 110 लोगों को पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। कोयला और शराब घोटाले में ईडी के एसीबी में दर्ज कराए गए एफआईआर में 2 पूर्व मंत्री और विधायकों के नाम शामिल किए जाने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि 3 साल से ईडी और आईटी कर रहे हैं जांच में पूर्व मंत्रियों का नहीं था नाम, लेकिन आज षड्यंत्र के तहत लोकसभा के मद्देनजर की जा रही है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना नहीं हुई है लागू, मगर इससे पहले ही महिलाओं से भरवाए जा रहे हैं फॉर्म के नाम पर महिलाओं से लिए जा रहे हैं पैसे और पर्सनल डाटा, जिसके गलत इस्तेमाल होने का बना हुआ है खतरा। इसके लिए विभाग ने जारी किया अलर्ट, कलेक्टर्स को कार्रवाई के दिए निर्देश। जांजगीर चांपा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नशीली कोडिन सिरप ले जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने घेराबंदी कर मड़वा प्लांट रोड से किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1,94,000 रुपए का सिरप और कार किया जब्त। छत्तीसगढ़ में बादल छटने के बाद न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में नहीं होंगे विशेष बदलाव। इसके बाद सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में रात के तापमान में 2-3 डिग्री तक हो सकती है बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 15 पैसेंजर ट्रेनों को 27 जनवरी को रेलवे ने किया कैंसिल। बिलासपुर में फुट ओवर ब्रिज पर होगा गर्डर लॉन्च। झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू स्पेशल भी रद्द। डेवलपमेंट वर्क के चलते गाड़ियों को किया गया है रद्द। ट्रेनें कैंसिल होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को होगी ज्यादा परेशानी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा की गई झांकियां प्रस्तुत। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने श्रेष्ठ झांकियों को किया पुरस्कृत। इनमें पहला ग्रामोद्योग विभाग, दूसरा जेल एवं सुधारात्मक विभाग और समाज कल्याण विभाग को मिला 3रा पुरस्कार। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर आधारित योजना को झांकी में किया गया प्रदर्शित। राजनांदगांव में बीजेपी नेता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 40 से 45 लोगों को नौकरी दिलाने के झांसे में लेकर लगाई लाखों की चपत। अब शिकायत के बाद पुलिस ने भाजपा नेता पीयूष वाडेरा और उसके सहयोगी अमित सिंह और अब्दुल हुसैन खान उर्फ अफजल कुरैसी को किया गिरफ्तार। सातिरों ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर की थी धोखाधड़ी। बिलासपुर में जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने पूरी बीकानेर एक्सप्रेस की एसी बोगी में दबिश देकर एक युवक से किया 10 किलो गांजा बरामद। ओडिशा के संबलपुर से गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश के मथुरा लेकर जा रहा था तस्कर। आरोपी युवक को जीआरपी ने जोनल स्टेशन में उतार कर किया केस दर्ज। कोरबा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और निजी स्कूल कॉलेजों में मनाया गया गणतंत्र दिवस, जिसमें गायत्री स्कूल में जीएसटी निरीक्षक बबलू गुप्ता, थाना स्कूल परिसर में वार्ड पार्षद व जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विमल थवाइत ने किया ध्वजारोहण। इस मौके पर नन्हे मुन्हे बच्चों ने दी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। कोरबा जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगह जगह किया गया ध्वजारोहण। इस मौके पर कोतवाली परिसर में सीएसपी भूषण एक्का और नगर कोतवाल अभिनव कांसी ने झंडे को दी सलामी। इस दौरान प्रभात फेरी के लिए निकले हुए बच्चों से खुशी जाहिर करते हुए नगर कोतवाल अभिनव कांसी ने बच्चों का कराया मुंह मीठा। तत्पश्चात झंडे के सम्मान के बारे में दी जानकारी।
बिलासपुर जिले के बेलतरा निवासियों को मिला निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ। स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी प्रथम हॉस्पिटल के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर बेलतरा के तत्वाधान में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा रोगों का किया गया जांच। सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक बच्चों महिलाओं और शिशुओं को जाँच के बाद निःशुल्क दवाओं का किया गया वितरण। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।